कोरोना के बढ़ते संकट के मद्देनजर देश भर में फिर से तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश के उन शहरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जहां पर राज्य सरकारों ने या तो फिर से स्थानीय प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और इस तरह के फैसले लिए हैं। कोरोना फिर से किस तरीके से देश में तालाबंदी कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का बंदी काल फिर दस्तक दे चुका है। संपूर्ण लॉकडाउन से सरकारों के इनकार के बावजूद राज्यों में धीरे धीरे कर पाबंदियों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। नाइट कर्फ्यू तो देश के एक बड़े हिस्से पर राज्यों और स्थानीय प्रशासन ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक लगा दिया है। मध्य प्रदेश में आज और कल यानी वीकेंड में कोरोना का ताला है। राजस्थान के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आबू के शहरी इलाकों में पूरे महीने रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, जबकि उदयपुर में शाम 5 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। पहले से नाइट कर्फ्यू में जा चुके महाराष्ट्र में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी टल गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे, प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी नहीं होंगी। हरियाणा में 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद है। नीतीश सरकार ने धार्मिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला लिया है। यूपी के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। भोपाल का यह हिस्सा अगले 9 दिनों तक बाकी शहर से कट जाएगा, क्योंकि वहां पे बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा जो कई दूसरे शहर भी है जहां पे अब 7 से 8 दिनों का लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है, रतलाम है, खरगोन है, ये वो शहर है जहां पे अब लॉकडाउन लग रहा है 7 से 10 दिनों तक का, और ये बता रहा है कि भयावहता क्या हो चुकी है अब कोरोना की मध्य प्रदेश में। और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे कि संपूर्ण लॉकडाउन एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग शहरों में लॉकडाउन एक से ज्यादा दिनों के लगाए जा रहे हैं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए। राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब 3,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 12-13 मौतें हो रही थी, अब 20 मौत हो रही हैं। ऐसे में सरकार यह सोच रही है कि किस तरह से इसे काबू में पाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने की बात सरकार इनकार कर चुकी है। पाबंदियों की डोज बढ़ने के बावजूद कोरोना की रफ्तार पहले से तेज हो रही है। साइक्लिस्ट थे, ये आपका आंध्र प्रदेश से आए थे, करीब 24 लोग उस ग्रुप में थे। तो ये लोग भीमताल में किसी आश्रम में रुके हुए थे, तो जब ये मॉर्निंग में हमारे पास आए तो इसमें से मैक्सिमम लोग फीवर से ग्रसित थे, तो उनका हम लोगों ने रैपिड एंटीजन किया, तो उसमें से करीब 20 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए और 4 लोग नेगेटिव थे। उन चारों का हमने आरटीपीसीआर लिया है और इन सभी को हमने मलिताल सूखा ताल में जो है सीसीसी में रख दिया है। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन को साफ तौर पर देखा जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लापरवाही को कोरोना के उछाल की वजहों में गिनाया है। पिछले साल तो लॉकडाउन का झटका देश झेल गया था, लेकिन अब की बार वीकेंड तालाबंदी और नाइट कर्फ्यू के नाम से ही लोगों में सिहरन आ रही है। इन परिस्थितियों में सबका सहयोग लेने के मकसद से 11 से 13 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार बड़े राजनीतिक नेताओं, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और धार्मिक गुरुओं से संवाद करने जा रही है। आज तक ब्यूरो।